राजधानी देहरादून में भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बता दें कि अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई लोगों से मिले और कई मंचों से उन्होंने तमाम तरह के बयान दिए। वहीं इसे लेकर अब भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कमलेश रमन का कहना है कि राहुल गांधी हमेशा दूसरे देशों में जाकर अपने देश को बदनाम करने का काम करते हैं। साथ ही राहुल गांधी आरक्षण के नाम पर जनता को भ्रमित करने का भी काम कर रहे हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए माननीय राहुल गांधी जी जब भी अपने देश से किसी दूसरे देश में जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने देश की बुराई करने से कभी बाज नहीं आते। वो अन्य देशों में जाकर के अपने देश को बदनाम करने की बात करते हैं और तमाम उन चीजों को लेकर के उन मुद्दों को जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई निराधार नहीं है, उन चीजों को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। और माननीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आरक्षण को लेकर के भ्रमित की स्थिति पैदा करने का काम कर रहे हैं, तो वो विदेश में जाकर भी शायद इसीलिए अपने आप को वहां पर खड़ा पाते हैं कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से जनता ने उन्हें नकारने का काम किया है, अब अन्य देशों में जाकर के वो यहाँ पर देश की जो गतिविधियां हैं, जो नीतियां हैं, जो काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री, जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, विकास की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, शायद ये चीज राहुल गांधी जी को इस वक्त हजम नहीं हो रही और इसीलिए वो विदेशों में जाकर के इस अपने देश की बात को रख करके कमजोर करने की बात कर रहे हैं और भ्रमित करने की बात कर रहे हैं।